दोस्तों, आज अपने इस नए वीडियो के साथ आज हमें फिटिंग करनी है। इधर क्या तार डालने हैं और पूरी फिटिंग करनी है। तो यहाँ वायरिंग करनी है आज हमें। तो फ्रेंड्स, वायरिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ, अब यहाँ पे सब तार डाल के छोड़ दिए हैं हमने। और इतने सारे तार देख के आप सोच रहे होंगे अभी कि ये कहाँ लगेगा, कहाँ जाएगा, सब अभी बताऊंगा मैं आपको वीडियो में आगे। पूरी फिटिंग, पूरा कनेक्शन A to Z शुरू से लास्ट तक कैसे किया है अब मैं बताता हूँ आपको। जो ये हरी वायर है हमारी, ये हमने छोड़ी है इन्वर्टर के लिए, इससे इन्वर्टर चलेगा। और जो दो तार यहाँ पे मुड़ी हुई दिख रही है आपको, लाल और नीली, ये देख सकते हो आप मेरी उंगली के सामने, ये फैन के लिए है। नीली वाली जो है न्यूट्रल है, उसको हम यहाँ पे से काट के लेंगे और आई को सप्लाई जाती रहेगी। और ये फेस का वायर है लाल रंग का, जिसमें से हमने ये दो पावर के लिए जो आगे को लाइन जाएंगी वो छोड़ी हैं। एक वायर हमारा इन्वर्टर का है इसमें, और एक न्यूट्रल का वायर है, और ये फेस जो है हमारा वो है मेन सप्लाई। और ये दो जो है एक पंखे के लिए है और एक कंसील्ड लाइट के लिए दिया है। कंसील्ड लाइट के लिए जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये दो तार छोड़े हैं, नीला कॉमन हो जाएगा यहाँ पे से मिल जाएगा, और रेड वाला इधर आ जाएगा जो कि बाद में स्विच लगेगा जिससे। और ऐसे ही अब बताता हूँ मैं आपको इस बोर्ड में ये वायर क्यों डाले हैं, क्योंकि ये जो हमारा ये कॉमन वायर है, ये हमने एक छोड़ रखा है अपने इस कंसील्ड के लिए। ये इस कंसील्ड का कनेक्शन इससे होगा, और नीली वाली को हम न्यूट्रल देंगे। और इसमें जो दो वायर ये है, एक इधर पे कंसील्ड चलेगा जो उसके लिए है, और एक इधर पे जंक्शन लगा है ये, यहाँ पर एक बल्ब चलेगा। एक दो वायर इसके लिए छोड़े हैं। अब चलते हैं हम इस रूम में। बाहर हमारी MCB है, MCB से यहाँ से दो मेन लाइन बाहर आई है, और ये सब तार अभी इस बोर्ड में जाएंगे। ये चार तार, चार इसमें से हमने अपने दो तीन चार कंसील्ड के लिए छोड़े हैं, और ये हमारी मेन लाइन है, ये नीली वायर और ये लाल वायर, और हरा वाला इन्वर्टर का है, और ये जो है ये पावर का जो पॉइंट है उसके लिए दिया है। और ऐसे ही बीच में यहाँ पे से वो दो फैन के लिए हैं, ये कंसील्ड लाइट के लिए है, और मेन सप्लाई जो है वो यहीं आएगी। और ऐसे ही इधर किचन में ये हमारी मेन सप्लाई आई है, और इसको फिर हम बोर्ड में कनेक्शन करेंगे, और इसमें ये सप्लाई हमारी यहाँ से ऊपर इस जंक्शन बॉक्स तक जाएगी, ताकि यहाँ पे एक पॉइंट लगेगा एग्जॉस्ट लगाने के लिए। और ये कंसील्ड के लिए दो तार, ये भी इधर अंदर से ही आया है, फैन में उसे कनेक्ट किया है। फ्रेंड्स, ये थी हमारी फिटिंग इसकी, और बाकी ऊपर चल रही है अभी ऊपर वाले में, फिर दिखाता हूँ मैं आपको कैसे फिट करते हैं बाकी सब। तो फ्रेंड्स,
अभी इसे साफ करना है हमें अच्छे से, कि जंक्शन में कीलें जो हैं फंसी हुई हैं। तो ये फिट हो चुका है अभी हमारा बॉक्स। तो कनेक्शन देखो कैसे किया है इसमें, ये इन्वर्टर का कनेक्शन है और ये न्यूट्रल है और ये पंखे का कनेक्शन है पंखे के लिए। इसमें एक वायर हमारा फेज आया है और एक एक न्यूट्रल जहाँ सब जगह से एक एक पॉइंट से आया है वो इसमें जोड़ा गया है। तो यहाँ पे हमारे इतने सारे वायर छूटे हैं, ये इसमें से जो ये दो हैं ये हमारे एक 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 तो ये दो दो हमारे मेन लाइन हो गई, जो मेन लाइन आएगी उससे हम कनेक्शन करेंगे। तो इसमें एक एक फेज देंगे हम, एक नीला फेज हमने इधर दिया है यहाँ जंक्शन में और एक नीला फेज हमने इस पावर पॉइंट में दिया है। ये दो नीले ये हो गए और ये हरा जो है ये इन्वर्टर के लिए दिया है हमने, और इसमें से एक लाल है एक काला है। ये जो लाल और काला है ये लाल काले हमने एक पॉइंट यहाँ पे दिया है इसके लिए है, इसका कनेक्शन भी इसी बोर्ड के पीछे से होगा। और इसके बाद देख सकते हो आप ये जो काला है ये इस पावर पॉइंट के लिए दिया है हमने, और इसमें जो हमारा ये जो लाल है ये दो इनमें से ये एक एक हाफ है, एक हाफ इसके लिए है और एक हाफ एक यहाँ बाहर पे हमने कंसील जलानी है उसके लिए है, उसका कनेक्शन भी इधर से ही होगा। और ये जो दो हैं ये हमारी वो है मेन लाइन, इन सब का कनेक्शन हमें ई बॉक्स से करना है। और ये जो पॉइंट हमने ये दिया है ये अंदर जो टीवी के लिए दिया है उसके लिए गया है उधर को, और इधर को जो आया है ये यहाँ पे एक बॉक्स और लेगा उसके लिए दिया है कनेक्शन। ये दो वायर आई हैं यहाँ पे, टीवी के लिए पॉइंट आएगा उसके लिए छोड़ी हैं, ये फेज है एक एक न्यूट्रल है। तो MCV की फिटिंग चालू है यहाँ पे, अभी पहले फिट कर लेते हैं फिर बताया जाएगा इसके बारे में। तो गाइस ये हो चुका है कनेक्शन, देख सकते हो आप इसमें से ये न्यूट्रल का वायर है, ये तीनों न्यूट्रल है, ये यहाँ आगे लूप होके इसमें जुड़ गई है और यहीं से आगे चलेगी, ये सप्लाई आगे को जाएगी। और ये बाकी ये सब फेस है ये सब हाफ है, एक हाफ जिस जिस का सॉकेट बटन बनाना है उस उसके लिए जो हाफ है वो है, और न्यूट्रल ये ऊपर से जहाँ जहाँ से जाएगी सब जगह से कॉमन हो जाएगी। तो MCV की फिटिंग चालू है यहाँ पे, अभी पहले फिट कर लेते हैं फिर बताया जाएगा इसके बारे में। तो गाइस ये सब कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हो आप सब बोर्ड लग चुके हैं, सारा कंसील लग गई है यहाँ पे, पूरा काम कंप्लीट फिनिश फाइनल हो गया है। अब इसे चेक करेंगे कुछ देर बाद, सारे सेटों में कंप्लीट हो चुका है काम और अब चेक करने का टाइम है, कुछ देर बाद अब चेक करूंगा इस सब को। तो मित्रों लाइट जल चुकी है, ये देख सकते हो सब फाइनल हो चुका है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स सब जल चुका है यहाँ पे, देख सकते हो आप, आपको ऑन करके दिखा देता हूँ मैं, सारी लाइटें सब कनेक्शन हो चुके हैं। कनेक्शन कैसे करना है मैं आपको पहले ही बता दिया है, सब चल रहा है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। वायरिंग ऐसी ही करनी है न्यूट्रल को जैसे मैंने आपको बताया है, और अब कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, जैसे कि देख सकते हो आप पूरा फाइनल हो गया है। और दोस्तों बने रहिए ऐसी ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए मेरे साथ मेरे चैनल पे, ये पूरे सेट हमने फाइनल कर दिया है, आगे भी ऐसी बढ़िया वीडियो दिखाते रहूँगा मैं आपको। थैंक्स फॉर सपोर्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।